आज आईपीएल का 11वां मुकाबला पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में महामुकाबला खेला गया, जहां आज जडेजा की टीम अपनी पहली जीत के तलाश में थी, तो वहीं मयंक अग्रवाल की पंजाब टीम आज अपनी दूसरी जीत के तलाश में खेलने उतरी। ऐसे में आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो ऐसे में आज के इस महामुकाबले में पंजाब टीम को शुरुआत में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने दो बड़े झटके दे दिए। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने पंजाब किंग्स को पहला झटका दिया। उन्होंने ओपनर और टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल को रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच आउट करवाकर पंजाब टीम को 4 रन पर ही पहला झटका दिया। पंजाब की टीम इस शुरुआती झटके से उबर पाती कि पंजाब को पारी के दूसरे ही ओवर में दूसरा झटका लगा। क्रिस जॉर्डन के ओवर में भानुका राजपक्षे रन आउट हो गए। आपको बता दें, ओवर की दूसरी गेंद पर राजपक्षे ने शॉर्ट लेग पर शॉर्ट खेला और 1 रन के लिए दौड़ गए। वहीं क्रिस जॉर्डन ने गेंद को पकड़ा लेकिन डायरेक्ट स्टंप को नहीं मार पाए। इसी बीच धोनी स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आए और जॉर्डन के थ्रो को रिसीव कर स्टंप को मार दी और इस तरह से भानुका राजपक्षे रन आउट हो गए और पंजाब की टीम ने 14 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए लियाम लिविंगस्टोन ने शिखर धवन के साथ मिलकर पंजाब की लुढ़कती पारी को संभाला और शानदार 3रे विकेट के लिए 52 गेंदों में 95 रन की पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन दोस्तों, 10 ओवर के बाद पंजाब किंग्स ने 109 रन पर अपना 3रा विकेट गंवा दिया। वेन ब्राउन ने शिखर धवन को जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी। धवन 24 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें, धवन ने लिविंगस्टोन के साथ 3रे विकेट के लिए 52 गेंदों में 95 रन की साझेदारी निभाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने लियाम लिविंगस्टोन को पवेलियन भेज दिया। लिविंगस्टोन ने शानदार 32 गेंदों पर 60 रन ठोककर पंजाब टीम के रन गति को आगे बढ़ा दिया और इस तरह से पंजाब की टीम ने 115 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। वहीं इनके जाने के बाद बल्लेबाजी करने युवा बल्लेबाज जितेश और शाहरुख खान ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और 25 गेंदों पर 31 रन की साझेदारी कर डाली। लेकिन फिर 146 के स्कोर पर पंजाब किंग्स को 5वां झटका लगा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे युवा जितेश शर्मा 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें ड्वेन प्रिटोरियस ने उथप्पा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अपनी छोटी सी पारी में जितेश ने 3 छक्के लगाए और इसी बीच 151 रन के स्कोर पर शाहरुख खान के रूप में पंजाब टीम को 6ठा झटका लगा। क्रिस जॉर्डन ने प्रिटोरियस के हाथों कैच आउट करवाकर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। शाहरुख 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, आपको बता दें, एक वक्त पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 109 रन था, वही अब टीम ने 43 रन बनाने में टीम के 4 विकेट गंवा दिए। शाहरुख खान के जाने के बाद कगिशो रबाड़ा और ओडियन स्मिथ ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन 18वें ओवर में 161 के स्कोर पर पंजाब को ओडियन स्मिथ के रूप में 7वां झटका लगा। क्रिस जॉर्डन ने ओडियन स्मिथ को ड्वेन ब्रावो के हाथों कैच आउट करवा दिया। वह 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रबाड़ा भी मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। इनके जाने के बाद राहुल चाहर ने 8 गेंदों में 12 रन ठोक दिए और इस तरह पंजाब की टीम ने 20 ओवर खेलकर शानदार 180 रन बना दिए। अब दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए 181 रन बनाने थे। वही दोस्तों, अपने पहले जीत के तलाश में बल्लेबाजी करने आए चेन्नई सुपर किंग्स के दोनों ओपनर उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी टीम को बेहद ही निराश किया। जी हां दोस्तों, पंजाब के गेंदबाजों के सामने ये दोनों बल्लेबाज टिक नहीं सके। कगिशो रबाड़ा ने ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करके अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋतुराज इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके और 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस सीजन उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 2 रन ही बनाए। वही दोस्तों, ओपनर रॉबिन उथप्पा को वैभव अरोरा ने बड़े सस्ते में ही चलता कर दिया। उथप्पा को धवन के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस तरह से मात्र 14 रन पर ही चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिए। वही 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली को भी पंजाब के गेंदबाजों ने बड़े सस्ते में ही निपटा दिया। जी हां दोस्तों, मोइन अली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मोइन अली को वैभव अरोरा ने बोल्ड कर अपनी टीम को 3री सफलता दिलाई। वही मोइन अली के बाद बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान रविंद्र जडेजा भी खाता नहीं खोल पाए और अर्शदीप ने उन्हें बोल्ड कर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बीच मझधार में फंसा दिया और इस तरह से सिर्फ 23 रन पर ही चेन्नई सुपर किंग्स के टीम ने अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए।
वहीं अंबाती रायडू भी पंजाब के आग उगलती गेंदों के सामने टिक नहीं सके और 21 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। और इस तरह से दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने अपने आधे विकेट मात्र 5 ओवर में ही 36 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए। अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हार बिल्कुल पक्की हो गई थी, लेकिन अभी भी धोनी और ड्वेन ब्रावो जैसे खिलाड़ी बचे हुए थे तो चेन्नई सुपर किंग्स की आस अभी जिंदा थी। वही दोस्तों अपने आधे विकेट खोने के बाद धोनी और शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग्स के लुढ़कती पारी को संभाला और शानदार पार्टनरशिप कर डाली। इस मुकाबले में शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी करी और मात्र 30 गेंदों में ही 57 रन ठोक दिए, लेकिन फिर 15वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके। इस ओवर की 5वीं गेंद पर लिविंगस्टोन ने शिवम दुबे को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराया। दुबे 30 गेंदों पर 57 रन बना सके, इसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल है। वही अगली गेंद पर लिविंगस्टोन ने ड्वेन ब्रावो का कैच अपनी ही गेंद पर लपका और इस तरह से 14 ओवर में 107 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने 8 विकेट गंवा दिए। तो वही धोनी भी टीम की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वे भी 23 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 18 ओवर में अपने 10 विकेट गंवा दिए और मात्र 126 रन पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों आज पंजाब के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करी और चेन्नई सुपर किंग्स को एक शर्मनाक हार दिला दिए।